चलें जी, आज हम देखते हैं। कल पहले तो हमने देखा कि जब हमारा एक ओयू उड़ जाए तो हमने उसको कैसे रिकवर करना है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा प्रीवियस अपनी वीडियो में। आज हमने देखना है कि हमारा अगर कोई डोमेन कंट्रोलर ब्लोज अप हो जाए या बिल्कुल ही डेड हो जाए, और तो हम उसको कैसे करेंगे। मैं अपनी स्लाइड को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ ताकि हमारा जो है हमें आइडिया हो जाए थोड़ा सा। ठीक है जी, नज़र आ रहा है ना। चलें जी, ठीक है हमारा, हम देखेंगे कि जनाब, ठीक है जी हमारा, हमने सुबह आए जनाब देखा तो हमारा एक जो है वो डीसी डोमेन कंट्रोलर उड़ गया, लेकिन हम उसमें अब क्या देखेंगे कि हमारे सीजिंग कैसे की जाती है, हमारे जो फिज़्मो रूल्स हैं अगर आपको याद हों जो मैंने किसी लेक्चर में पीछे पढ़ाए आपको, ठीक है ना, ऑपरेशन मास्टर्स, ठीक है ना। उनमें से हमारा ये है कि जनाब अगर उस डीसी कंप्यूटर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा उस कंप्यूटर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर्स था, ठीक है ना, जो वो काम करता था, लेकिन जब वो डेड हुआ तो अब हमारी दूसरी डीसी, इसको वो नहीं मिल रहा, तो हमने उसको सीज करके किसी और कंप्यूटर पर लेके आना, और बाद में किसी और डोमेन कंट्रोलर पर लेके आएंगे, और बाद में हम उसको जो हमारा डाउन हुआ है हम नया इंस्टॉल करके तो उसको फिर अप कर सकते हैं, और बाद में रेप्लिकेशन होगी तो उसके पास सारा दूसरे डोमेन कंट्रोलर से डेटा वापस आ जाएगा, और देन हम वापस उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का रोल दे देते हैं। ठीक है जी, इसमें होता है कि ये जनाब पॉसिबल सॉल्यूशंस हम देखेंगे और डोमेन कंट्रोलर्स को देखेंगे। नेक्स्ट चलता हूँ, तो कहता है जी ISP DC3 हैज़ ब्लोज अप कम्प्लीटली, इट इज़ अ क्वेरिंग मैस ऑफ मेटल दैट स्क्रैच, समझो कहता है कि उसका सिर्फ अब वहाँ पे आपके पास मेटल का एक पूरे का पूरा कबाड़ का कह लो कि वही रह गया है ढांचा सा उसका हार्डवेयर का, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है उसकी हालत जनाब डीसी कंट्रोलर की हालत इस टोस्टर जैसी हो गई है, जैसे वो जल के राख हो। ठीक है जी, तो नाउ अब क्या करना है। ठीक है जी, यू नीड टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द डीसीज। द गुड न्यूज़ इज़ यू स्टिल हैव टू अदर डोमेन कंट्रोलर्स रनिंग सो यूजर्स कैन स्टिल लॉग इन। ठीक है जी, कहते द बैड न्यूज़ इज़ DC3 इज़ आर द रैदर वाज योर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, वो उसके साथ ही उड़ गया। यू नीड टू गेट एन इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर बैक ऑनलाइन एज फास्टर एज यू कैन फर्स्ट, एंड देन डिसाइड हाउ टू गेट न्यूयॉर्क या जो भी आपका इस्लामाबाद DC3 है उसको बैक लाना। ठीक है जी, कहता है हाउ टू सीज एन ऑपरेशन मास्टर, हम उसको कैसे सीज करेंगे रोल को व्हेन द मशीन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। कहते हैं हम कैसे सीज करेंगे कि जब हमारी एक मशीन बिल्कुल डेड है हम उससे कैसे सीज करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट में चले जो GUI मूव, ट्राई टू मूव एन ऑपरेशनल मास्टर फ्रॉम द GUI लाइक यू वुड नॉर्मली। पहले अगर हमारे डोमेन कंट्रोलर कंप्यूटर हमारा फिर भी चलो कोई और मसला आ गया, लेकिन हमारी कंप्यूटर लॉग इन हो रहा है तो हम उसको नॉर्मली जैसे हमने लास्ट टाइम किया था चेंज करके रोल दो किसी पर ले गए थे, एक किसी दूसरे पर ले गए थे, ठीक है ना, डोमेन कंट्रोलर पर, तो हम उसको नॉर्मली ऐसे GUI मोड से कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा कंप्यूटर हो ही नहीं रहा देन वी नीड यू जो है ना NTDS util, ठीक है ना। कहता है यू कैन ऑल्सो यूज एंटीडीसी यू सीज एन ऑपरेशन मास्टर रूल्स विद द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ठीक है जी, फॉलोइंग ऑपरेशंस क्या है, गो इन टू NTDL util लाइक नॉर्मल, डजेंट फॉरगेट टू टाइप एक्टिवेट, जो हमने पहले भी ये कमांड यूज़ की है इंस्टांस की, ठीक है ना, योर फर्स्ट कमांड टाइप, देन हम रोल में जाएंगे, रोल के बाद हम हेल्प लेके उसकी और कमांड देखेंगे, और देन हम सीजिंग की कमांड लगाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की। ठीक है जी, और देन आगे हम देखेंगे कि इफ़ द हार्डवेयर एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ओके, तो हम दोबारा अपना जो एक्टिव डायरेक्टरी उसके ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे, और दोबारा मशीन को फॉर्मेट करके दोबारा 2008 सर्वर इंस्टॉल करके हम वापस अपना जो है उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी करके, और जब रेप्लिकेशन सारी हो जाएगी वापस उसके पास सारे OUs और हर चीज़ कन्फिग्रेशन दूसरे डोमेन कंट्रोलर से वापस आ जाएगी, देन हम इसको अगेन ऑपरेशन मास्टर का जो है ना वो रोल दे सकते हैं। ठीक है ना, हम चलते हैं जी अपने डोमेन पर, आगे देखते हैं जनाब हमारे, वो कहता है कि जी आपकी जो है टोस्टर की स्मेल जो है आपने जब उड़ता है डोमेन कंट्रोलर तो सेम उसी तरह स्मेल आती है सर्वर रूम से जैसे आपके टोस्टर से उसकी टोस्टर की आती है उसके जलने से आती है। ठीक है जी, हम लोग चलते हैं अपने सर्वर वन पे। ऑलरेडी जो हमारे अगर देखो तो ये सर्वर वन है हमारा, ठीक है जी, जहाँ पे हमने पहले इसका देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, PAK @123, और ये हमारा सर्वर वन और ये हमारा सर्वर टू। ठीक है जी, PAK @123 और ये हमारा सर्वर थ्री, आप कह लो कि
जिसके ऊपर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, मैं हम एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं अपने रोल्स के कहाँ कहाँ पे हैं। मैं अगर जाता हूँ जनाब अपने वापस फर्स्ट पे, हम जाते हैं स्टार्ट में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब हम पहला डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो सब पांचों के पांचों रोल्स ऑपरेशनल मास्टर उसी के पास होते हैं, और स्कीमा मास्टर और नेमिंग मास्टर ये दोनों बोथ आपके ग्लोबल कैटलॉग पहले ही सर्वर पर होते हैं, ठीक है जी, और रखने भी उसी पर चाहिए, ठीक है ना। बाकी भी इसी पर होते हैं लेकिन बाद में आप मूव कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम मूव किया था एक उसमें, सॉरी मैं इसको ऑपरेशनल कहूँ, ठीक है ना, टू पे मूव किया था, यानी कि इसके पास जो है अब वो सिर्फ हमारा एक मिनट ऑपरेशनल मास्टर, ठीक है जी। इसके ऊपर हमारा जो पी डी सी है, इसके ऊपर देखो जो टू के ऊपर है हमारा रीड मास्टर, पी डी सी ये भी टू के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ये थ्री के ऊपर है, ठीक है ना। 33 उसका नाम दिया मैंने, क्योंकि थ्री एक और हमारा सर्वर है जो मैं इसको मैस नहीं करना चाहता था, मैंने इसको 33 कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर थर्ड के ऊपर है, यहाँ पे एक ये शो कर रहा है। इसके ऊपर जो है वन के ऊपर जो है ना वो सिर्फ एक स्कीमा मास्टर और नेमिंग मास्टर है, ठीक है ना। जैसे हम नेमिंग मास्टर जाके सर्विस एंड साइट पे जाके उसकी वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, और स्कीमा हम MMC को ऐड करके उसकी पहले एक कमांड चलाते हैं, कमांड चला के फिर हम उसको इनेबल करते हैं और फिर MMC में जाके स्कीमा मास्टर को देख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था अगर आपको याद हो। तो दूसरा जो है हमारा वो इसका चले जाते हैं जनाब हमारा था एक्टिव डायरेक्टरी, सॉरी इसके ऊपर जो हमारा एक है नेमिंग मास्टर होता है वो भी इसी के ऊपर है हमारा, डोमेन्स एंड ट्रस्ट के ऊपर जाऊँ तो मैं हमारा जो है वो राइट क्लिक ऑपरेशन मास्टर्स, और देखो हमारा डोमेन नेमिंग मास्टर इसी के ऊपर है, ठीक है जी, और स्कीमा भी इसी के ऊपर है। लाइक इसी तरह हमारा अगर मैं टू के ऊपर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये टू है मेरा, मैं अगर सर्वर पे जाऊँ स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर सेकंड डोमेन कंट्रोलर हमारा, इसके ऊपर हमारे दो रोल्स हैं रीड मास्टर और PDC एमुलेटर जो PDC मास्टर, ठीक है जी। ये आ गए हम लोग ऑपरेशनल मास्टर्स में, और देखो तो रीड मास्टर इसके ऊपर है टू के ऊपर, ठीक है जी, और PDC भी हमारा जो रोल है वो भी टू के ऊपर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर वो थ्री के ऊपर है, ठीक है जी, 33 के उसके ऊपर है, और यानी कि डिवाइड हो गए। पहले वन के ऊपर क्या है नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर, डोमेन कंट्रोलर टू के ऊपर रेड मास्टर और PDC मास्टर, और इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली हमारा सर्वर थ्री के ऊपर है 33 पर। मैं अगर जाऊँ यहाँ से जाके स्टार्ट में जाके अपने ये सर्वर थ्री के ऊपर हूँ, मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाऊँगा, मैं राइट क्लिक करके इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि हमारा ये अभी जनाब, ठीक है जी, मैं राइट क्लिक करता हूँ और ऑपरेशन मास्टर्स देख रहा हूँ, तो ये PDC रीड जो है वो टू के ऊपर, PDC भी टू के ऊपर, और इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के ऊपर, ठीक है ना। तो हम इसको मीनवाइल डाउन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यहाँ से हम लोग इसको करते हैं जी डाउन, शट डाउन कर देता हूँ ताकि हमारे नेटवर्क में ये फील हो कि हमारा बिल्कुल डेड हो गया, ठीक है जी। 33 को मैंने डेड कर दिया, और डेड करने के बाद हम अब चलते हैं टू के ऊपर और इसको सीज करेंगे टू के ऊपर, ठीक है जी। हम लोग मैं वन के पास रहने देता हूँ ऑन, और ये हमारा टू है, तो इसको अगर मैं क्लोज करके अब दोबारा करता हूँ जब तक वो बंद होता है हमारा थ्री वाला सर्वर टू और थ्री, ठीक है ना, वो बंद हो गया, ठीक है ना। मैं टू के ऊपर आऊँ, अगर दोबारा जाके अब चेक करूँ मैं इसके ऊपर जनाब अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे, और देन मैं अभी इसका जो है हम लोग देखते हैं दोबारा यहाँ पे जाऊँ और इसके ऑपरेशनल मास्टर देखूँ, ठीक है जी, रीड इसी के ऊपर है, PDC रोल इसी पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब वो उसको चेक करना शुरू कर देगा और ढूंढना शुरू करेगा क्योंकि वो डेड हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे वो एरर दे देगा जी मुझे नहीं मिला आपका जो है डेड है, ठीक है ना। और इसी तरह अगर हम अपना, मैं जब तक ये सर्च करता है मैं अपना चलता हूँ सर्वर वन के ऊपर, और सर्वर वन के ऊपर भी जाके अगर हम देखेंगे तो वो भी क्या कहेगा कि जी हमारा जो सर्वर वन है, राइट क्लिक करके हम चलते हैं जो ऑपरेशंस, और ठीक है जी उसने कहा जी रेड टू के ऊपर है मुझे कम्युनिकेशन है, PDC ये भी टू के ऊपर है मुझे कम्युनिकेशन है, थर्ड में जाए तो वो भी सर्च करना शुरू कर दिया क्योंकि डाउन हो गया हमारा थर्ड डोमेन कंट्रोलर, ठीक है जी। अगर मैं वापस जाऊँ अपना टू के ऊपर तो टू के ऊपर जाके देखें तो अभी भी सर्च कर रहा है और फिर उसने एरर दे दिया, ठीक है ना, कहता है जी हमारा मुझे नहीं मिला आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर और ये डाउन है, ठीक है जी। हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, और इधर भी जाएंगे तो हमें वो इधर भी एरर दे देगा थोड़ी देर में कि जनाब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर मुझे नहीं मिला, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जब तक ये होता है, हम लोग वापस अपना उस पर जाते हैं टू के ऊपर, और अब हम जाके कमांड प्रॉम्प्ट में NTDS util की कमांड लेके
तो हम उसको एक तो सिंपल जो है वो मैंने आपको बताया था कि चेंज हम जो नॉर्मल जीयूआई मोड है वो ये है, अगर आपकी विंडो पूरी ब्लो अप नहीं हुई, एक्टिवेटरी थोड़ी बहुत लटकती हुई चल रही है, ठीक है ना, लटखड़ाती हुई, तो फिर आप सिंपल जो जीयूआई मोड है यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है ना, वहाँ से वहाँ ले गए, वहाँ से वहाँ ले गए। लेकिन जब वो बिल्कुल ही डेड हो गया है, आपका चल ही नहीं रहा, ऑन ही नहीं हो रहा, पावर ही नहीं उसकी, सब कुछ उड़ गया, तो हम लोग फिर NTDS यूटिल से जाके सीज करते हैं, ठीक है ना। मैं जाता हूँ जी NTDS यूटिल, सॉरी NTDS यूटिल हमारी होगी कमांड, मैं उसके अंदर आ गया, ठीक है जी। NTDS यूटिल में हम एक्टिवेट करेंगे अब स्टांस को, ठीक है जी, इंस्टांस एक्टिवेट इंस्टांस, ठीक है जी, स्पेलिंग हमारे इंस्टांस के, ठीक है, NTDS, ठीक है जी, इंटर कहता है एक्टिवेट इंस्टांस सेट टू NTDS, ठीक है जी। और हम करते हैं जी रोल, ROLES roles, ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, ये इसके फिजमो रोल्स इसी तरह इसकी कमांड, ठीक है ना, इंटर करूं तो फिजमो रोल्स में मेंटेनेंस में आ गया, ठीक है जी। ये देखो फिजमो रोल्स इसके अंदर, ठीक है ना, तो वो ये इसकी मेंटेनेंस जो है उसके अंदर आ गया कि हमने अब क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे हेल्प लिखता हूँ, ठीक है ना, थोड़ी सी हम कमांड भी देख लें, ये आ गई, तो इसमें देखो तो दो सेक्शन हमें दिखा रहा है, एक तो है कि ये हमने सीज करने हैं, ठीक है ना, हम जो है वो सीज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर करेंगे जो जैसा कि आज की लैब में, उसके बाद आप नेमिंग मास्टर भी कर सकते हैं, PDC मास्टर भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, स्कीमा भी कर सकते हैं, फिर ऑपरेशनल टारगेट्स वो करके वो भी कर सकते हैं। ऊपर वाला सेक्शन सीजिंग का है, नीचे चले जाओ तो ये ट्रांसफ़र का है, ठीक है ना, लेकिन जब हम कनेक्ट ही नहीं है तो उससे तो हम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया कि आप ना सिर्फ GUI से बल्कि कमांड से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसका उस हिसाब से आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जनाब, हम करते हैं जी सीज, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, मास्टर इंटर, ठीक है जी। कहते हैं नॉट कनेक्टेड टू अ सर्वर यूजिंग कनेक्शन, ओके जी, हमारी एक कमांड और दरमियान में जो हमने देनी है, हमने कनेक्शन को देखना है इसके, हमने अपनी डायरेक्टरी के साथ इसको कनेक्ट करवाना है, कनेक्शन इंटर, ठीक है जी। ये देखो फिजमोर मेंटेनेंस से सर्वर कनेक्शन में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम अगर फिर हेल्प लेके चेक करें कोई अपनी चीज़ें, तो हम यहाँ वो कमांड्स तो इसके अंदर वो दिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा है हम डोमेन को कनेक्ट करने के लिए, ये कनेक्ट की डोमेन की कमांड लगाएंगे, ठीक है ना, कनेक्ट टू डोमेन हम करेंगे जी, वापस मैं जाऊँगा कनेक्ट टू डोमेन, हमारी है test.com, ठीक है जी, मैं इंटर करूँगा, ठीक है जी, उसने मुझे वो दे दिया test.com और test.com यूजिंग क्रेडेंशियल ऑफ लोकली लॉगिन ऑन द यूजर, ठीक है जी, वो कनेक्ट कनेक्शन का उसने हमें जो है वो ऑप्शन दे दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम सीज करेंगे, मैं कनेक्शन से बाहर आता हूँ वापस उसी पे क्विट करके, वापस फिजमो रोल की मेंटेनेंस में, ठीक है जी, और देन हम करेंगे सीज अगेन, मैं अप एरो को लेके हम लोग यहाँ पे अपनी कमांड यूज कर सकते हैं, सीज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, मैंने अप एरो किया और जो लिखी हुई कमांड पहले यूज की है वो आपको दिखा रहा, ठीक है जी, मैं इंटर करता हूँ, वो मुझे कहता है आर यू श्योर यू वांट टू सर्वर सर्वर टू डॉक्टर टू सीज द इंफ्रास्ट्रक्चर रोल विद द वैल्यू बिलो, यस, ठीक है जी, यस करेंगे तो वो अटेम्प्ट करके इसको सीज करना शुरू कर देगा, ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, ये देखो अब वो अटेम्प्ट कर रहा है सेफ ट्रांसफर ऑफ, पहले क्या कर रहा है वो ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन ट्रांसफर वो नहीं होगा क्योंकि वो हमें कनेक्शन नहीं है उसके साथ, वो बिल्कुल डेड है, ना उसकी पावर है ना कोई चीज़ है, उसके बाद ये फिर सीजिंग करेगा, ठीक है ना, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट खुद भी पहले ट्रांसफर की एक ट्राई लगाता है कि शायद इसी तरह ट्रांसफर हो जाए, या मुझे थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो एक दो मिनट या चंद सेकेंड्स, तो देन ये हो जाएगा हमारा वाह इसके ऊपर, ठीक है जी, उसने एक दिया और वापस हमें मेंटेनेंस में ले आया। अगर हम थोड़ा सा इधर इसमें देखें इसकी सारे प्रोसेस के अंदर, तो वो यहाँ पे एक देखो कि यहाँ पे कहता है जी कनेक्ट टू, अगर कहता है जी हमारा ये देखो वो कहता है अटेम्प्टिंग सेफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ए फिजमो रोल बिफोर सीजर, ठीक है जी,
और फिर कहता है जी ट्रांसफ़र ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मोर फेल्ड प्रोसेस विद सीजर। कहता मुझे ट्रांसफ़र, जाहिर है उसको ट्रांसफ़र होना ही नहीं था, ये तो फेल्ड होनी होनी थी क्योंकि वो हमारा डेड है। फिर वो कहता है मैंने जो प्रोसीडिंग की है वो सीजर के ज़रिए की है, ठीक है। सीजर करके उसने कहा जी ये हमारा जो है ना इधर आ गया, मैं इसको अब क्विट करता हूँ यहाँ से, क्विट। फिर हम एनटीडीएस यूटिल को भी करते हैं क्विट, और यहाँ पे मैं एग्जिट लिखता हूँ और हमारा बंद। तो अब हम जाके अगर देखें अपने एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में और अपनी एक्टिव डायरेक्ट्री में, हम देखते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जो है वो किस पर आ गया, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, हम जाते हैं अपनी ऑपरेशन मास्टर्स में, और देन मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर देखूँ तो उसी के ऊपर आ गया, ये देखो उसने सीज कर, ठीक है ना। और अब हम अगर जाएं अपने सर्वर वन के ऊपर जनाब, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, रेप्लिकेट जब करेंगे ये आपस में, ठीक है ना, तो हम रेप एडमिन स्लैश सिंक कॉल, ठीक है जी, हम इधर चला देते हैं, देखते हैं ये कॉन्टैक्ट किन किन से करता है। 3 से तो करेगा नहीं, उसका तो एरर आएगा क्योंकि वो डेड है, और 2nd से भी करेगा। और मीनवाइल हम इसके साथ इसका भी कर लेते हैं क्लोज, मैं इसको कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, और देन अगेन हम करते हैं जी रेप एडमन इस यहाँ से भी सिंक कॉल, ठीक है जी, इसको भी करने देते हैं। उस पे जाए 1 पे तो वो कहता है जी दी RPS सर्वर इज़ नॉट अनअवेलेबल, ठीक है जी, वो तो हमारा डाउन है। और जनाब हमारा बाकी जो सेम उसके साथ हुई है 2 के साथ वो गई है और आई है, और अभी देख लेते हैं शायद हमारा इसके ऊपर एरर जो है वो ख़त्म हो गया हो। 1 को भी हम इसने बता दिया हो कि जनाब जो मास्टर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो अब 3 पे नहीं, 2 उसको हैंडल कर रहा है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जाऊँ तो देखो, ठीक है ना, उसने 2 पे ले लिया है, वो कहता है जी अब हमारा ये 2। तो अब हम क्या करते हैं जनाब, हमारा सब कुछ ठीक चलती रहेगी डायरेक्टरी, हम तीसरे सर्वर को क्या करेंगे, उसको जनाब देखेंगे उसका हार्डवेयर कोई जला है, मदरबोर्ड तो चेंजिंग कर कर के आराम से दोबारा 2008 सर्वर डाल के उसको एक्टिव डायरेक्टरी बना के दोबारा, और जब वो रेप्लिकेट करेगा सारे यूज़र आईओ ओ यूज़ वगैरह सब जब उस पर आ जाएंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम उसको दोबारा यही रोल का जो ड्यूटी है उसकी लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से चेंज करके तो उसको दोबारा यही रोल दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह देखें तो हमारा सी के ऊपर भी ये हो, ठीक है जी। तो ये हमारी थी आज की एक छोटी आज क्लास थी, और नेक्स्ट हमारा कल जो है वो दूसरी हम आगे करेंगे, ठीक है ना। और हाँ बिल्कुल, क्यों इसमें ये चीज़ें देखा, अब आपको पता चल गया होगा कि हमने 2-3 डोमेन कंट्रोलर जो एक कंपनी में कितने ज़रूरी हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक डाउन हो तो आप दूसरे से दूसरा कर लें, दूसरा डाउन हो तो उससे वो चेंज कर लें, पहला डाउन हो तो उससे दूसरे पर ले जाएँ, ठीक है ना, वो सारे सीज हो सकते हैं। और फिर आपका यह है कि कभी आपका जो है ना वो काम नहीं रुकता कंपनी का, ठीक है ना, बड़ी कंपनीज का तो एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है, तो वो सारी प्लानिंग करके जो है ना उसके हिसाब से ये बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, आप उस हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम इसको करते हैं डाउन, और देन आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह आगे फिर कल हमारा नेक्स्ट जो है वो करेंगे। और उम्मीद है कि थर्सडे तक जो है ना काफ़ी नज़दीक 1-2-3 लेक्चर रह जाएंगे इसके, और ज़्यादा हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के कोई नहीं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हम लोग जो है ना वो काफ़ी करीब करीब हमारी मेन सारे चल गए। अब ये इस तरह की मेंटेनेंस है, कोई थोड़े से और हैं, 2 इम्पॉर्टेंस हैं कुछ वो, और 1-2 अगर रह भी गया तो वो फिर जब हम आगे पेपर हमारा जो है वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का वो शुरू करेंगे तो देन हम उसको कर लेंगे पहले, ठीक है जी। ये हमारा हो गया डाउन, और ये भी हो गया डाउन, क्या करते हैं हम लोग क्लोज फ्रेश क्लोज, और देन करते हैं जी इसको क्लोज स्टॉप।